सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है शिबनोवी अपडेट्स को लेके। अपडेट्स तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि शिबनोवी के कुछ क्वेश्चन आंसर से जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि ए में अपडेट उन्होंने की थी एक यूट्यूबर के साथ जो कि सैंडस्टॉर्म्स के नाम से यूट्यूबर है। सैंडस्टॉर्म, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी गलती हो गई हो तो। ठीक है, सो गाइस मैं आपको बता दूं उनके कुछ क्वेश्चन आंसर से जो कि प्री सेल्स को लेकर उन्होंने आंसर्स बताए और लिस्टिंग्स को लेकर भी आंसर्स बताए और कॉइन्स में जो जीरो इतने सारे हैं शिबनोवी के अंदर उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कुछ एक्सचेंज जो है लिस्टिंग नहीं करें ज्यादा जीरो होने के कारण, बट सारे एक्सचेंजेस शिबनोवी को मना नहीं करते जीरो के कारण। ठीक है गाइस, इन्होंने सारे ये अपडेट्स दिए हैं और जो सस्पेंडेड जो आई थिंक ओकेएक्स पे भी इनका जो डिपॉजिट जो है वहां पे सस्पेंडेड बता रहा था गाइस। अब मुझे नहीं पता, मैंने अभी खोल के देखा नहीं है कि मेरा, क्योंकि मेरा अकाउंट है नहीं ओकेएक्स के ऊपर अभी तक। ठीक है गाइस, पर मैं ऑलरेडी यार मेरे 5 से 6 करीब ट्रेडिंग अकाउंट्स बना रखे हैं, तो इससे ज्यादा अकाउंट बनाना मुझे लगता है सेफ रहता है। ठीक है गाइस, सो अगर ओकेएक्स पे डिपॉजिट आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सिंजा को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, सो यू हैव टू डिपॉजिट एटलीस्ट 13 to 14 US डॉलर आपको डिपॉजिट करने पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता होगा अभी भी सस्पेंडेड है तो मुझे जरूर बताना कमेंट के अंदर। ठीक है गाइस, सो जो अपडेट्स आई हैं वो अपन देखते हैं, एक बार प्राइस चार्ट पे भी नजर डालते हैं कि प्राइस चार्ट क्या चल रहा है इसका और देखते हैं क्या चल रहा है इंडिया में। सो गाइस, अभी जो करंट प्राइस ये बता रहा है 6853 बता रहा है, वैसे ये प्राइस तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ और बताता है वहां कुछ और बताता है। बिटमार्ट पे करीब 5.5 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे 6.8 की सीरीज चल रही है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो वॉल्यूम है वो है 3.66 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम चल रहा है 24 आवर्स का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है एटलीस्ट 15 मिलियन के अबव होना चाहिए जब जाके आपको टायर 1 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है कोई भी अच्छी। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे ओकेएक्स पे भी लिस्ट होना तो बहुत जरूरी है। देखो होता ही नहीं होता है तो मैं भी नहीं कह सकता, जो टीम ही बताने वाली है आपको। ठीक है गाइस, पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन से इट्स सीन दैट पीपल आर स्टिल कंफ्यूज ऑन द शिबनोवी प्राइवेट प्री सेल्स। इन्होंने कहा कि यहाँ पे प्राइवेट पीसीएस में काफी लोगों ने अपने शिंजा जो है सेल कर दिया, उसके कारण टोकन जो है एकदम से डंप हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, इन्होंने अपना बॉट जो है लॉन्च किया है, बॉट ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा वहां पे, मतलब 1 ETH पर ट्रांजेक्शन है और ज्यादा से ज्यादा 2 ETH ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। 2 ETH से ऊपर अगर अपने शिंजा वो सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सो द बॉट विल स्टे इन प्लेस, यहाँ पे बॉट जो है हमेशा के लिए काम करेगा ताकि जो प्राइस है एकदम से अप गया, एकदम से डंप ना हो जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े वॉलेट्स हैं वो क्या करते हैं, जिन्होंने प्री सेल में लिया है, व्हेल्स ने जो भी लिया है, वो यही करते हैं कि गाइस एकदम से बड़ी तादाद में लेते हैं, एकदम से सेल करके निकल जाते हैं, तो व्हेल्स का आना जाना थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे पीपल आर कंसर्न दैट टॉप एक्सचेंजेस विल नॉट सपोर्ट नंबर ऑफ जीरोस इन अवर प्राइस। तो यहाँ पे इन्होंने बताया देयर हैव बीन अ फ्यू एक्सचेंजेस दैट कुड नॉट सपोर्ट अवर नंबर, कुछ एक्सचेंजेस हैं जो इनके जीरोस को सपोर्ट नहीं करते हैं। हाउएवर, हालांकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि टीयर 1 एक्सचेंजेस दैट अवर सप्लाई विल नॉट वर, टीयर 1 एक्सचेंज पे लिस्ट होने से उनकी सप्लाई उनको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करती वहां पे लिस्ट होने से। और वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, इन्होंने Crypto.com और KuCoin से बात की है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमें आपकी लिस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो चाहे कितने भी हो। यहाँ पे 15 मिलियन to 20 मिलियन डॉलर का पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर होगा तो दे विल कंसिडर देयर लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे ये है और ये तो यू ही है। इट इज पॉसिबल टू रिवर्स स्प्लिट इन क्रिप्टो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जीरो। देखो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर इथेरियम चेन पे अगर ये शिबनोवी का नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेंगे, सो इससे इन्होंने कहा है कि ऐसा ये कुछ नहीं करने वाले। सप्लाई डज नॉट मैटर, इफ यू हैव परचेज 1 ETH वर्थ ऑफ टोकन रिगार्डलेस ऑफ द सप्लाई यू विल रिसीव 1 ETH वर्थ ऑफ टोकन। ठीक है, तो उन्होंने कहा सप्लाई से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है और अपने जो होल्डर्स है उनको हर्ट नहीं करेंगे सप्लाई कम करके, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ना ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को है जो है ये लोग स्प्लिट करने वाले हैं, रिवर्स स्प्लिट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है गाइस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को जैसे सेफ मून ने वर्जन 2 निकाला, इस तरीके से ये सब कोई चीज नहीं करने वाले। ठीक है गाइस, दे आर सेफली और ये सेफ तरीके से चलेंगे, जो है वही चलेगा। ठीक है, क्योंकि यार फर्क नहीं पड़ रहा ना उस चीज से, आपको लॉस प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द वही फर्क पड़ता है ना, चाहे 15 जीरो हो चाहे 16 जीरो हो। अगर उसने 15 जीरो में से 5 जीरो रिलीज करता है तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा के निकलते हो, मतलब आपने 30 डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, 5 जीरो निकाल दिए तो आपके 3.5 लाख डॉलर बन जाते हैं, या 4 डॉलर निकालता है तो 35 3.5 लाख डॉलर बन जाते हैं करीब, 4 जीरो निकालने, 4 जीरो डिलीट करने पे मतलब 3,50,000 डॉलर आपके बन जाएंगे। ठीक है, सॉरी फॉर कंफ्यूजन।
सो लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग दैट डोजो साहब इज जस्ट रीस्किन ऑफ यूनिसेफ। यहाँ पे डोजो साहब ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने बताया यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि बाय बैक बर्न और ये सब एवरी ट्रांजेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक और कुछ मैनुअल बर्न भी ये लोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे डू यू हैव वर्जन 2 ऑफ डोजो साहब प्लान्ड? यस, वर्जन 2 विल इंप्लीमेंटेड अवर ट्रांजेक्शन लॉक्स एंड चार्ट्स। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर वर्जन 2। वी विल इंप्लीमेंटिंग वर्जन 3। वी विल ऐड अ स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाली है डोजो स्वैप पे। विल अलाउ फॉर क्रॉस चेन ट्रेडिंग बिटवीन द ETH। आप क्रॉस चेन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ETH, BNB, मेटिक कॉइन्स। वर्जन विल बी रिलीज विद इन अ फ्यू वीक्स। ठीक है, मतलब वर्जन 2 रिलीज हो जाएगा फ्यू वीक्स के अंदर, फिर उसके बाद वर्जन 3 भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, दे एनी अदर प्लान फॉर iOS एंड्रॉइड ऐप आ सकती है इनकी? तो दे हैज कम अप विथ फ्यू टाइम्स एंड द टीम इज कंसिडरिंग। ये भी आने को है, अभी ब्राउजर पे आएगा पर वो भी फ्यूचर में आने को है। ठीक है गाइस, सो एज यू हैव टेकन अ बिग हिट इन द चार्ट एंड प्राइवेट सेल पार्टिसिपेंट एंड डम्प देयर टोकंस कॉज सम होल्डर्स लॉस फेथ इन शिबनोबी। मतलब यहाँ पे देखा कि एकदम से बहुत हाई गया, एकदम से डंप हो गया, तो लोगों को क्या फेथ निकल गया शिबनोबी के ऊपर से, मतलब विश्वास निकल गया। हाउ आर यू मिटिगेटिंग द फंड? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर मार्केटिंग? वी आर लुकिंग इन टू एवरी पॉसिबल वे टू गेट द वर्ड फॉर अवर प्रोजेक्ट। वी हैव बिगन टू रीच आउट द एरियाज आउटसाइड द क्रिप्टो। वी हैव जस्ट मेड अ डील दुबई विद प्रोजेक्ट 11। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया, इन्होंने डील भी किए, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, एडवर्टाइज शिबनोबी, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। वी अल्टीमेटली बिलीव दैट बेस्ट वे टू शो पीपल हाउ सीरियस वी आर अबाउट दिस प्रोजेक्ट जस्ट कीप डूइंग व्हाट वी सेड। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे चाहे कोई भी हो, फंडर्स तो हमेशा रहेंगे, पर जो ये कर रहे हैं इनको सिर्फ अपना काम करना है। ये ब्लॉकचेन लाएंगे, वॉलेट लाएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, धीरे धीरे चलता रहेगा काम। ठीक है, और अपनी पार्टनरशिप बनाएंगे, गेमिंग में लेके आएंगे, तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थे जो भी है। ठीक है गाइस, सो ठीक है, तो आई थिंक यस दे आर, अब यहाँ पे क्या है, विल कॉइन व्यू कैपी लिस्टिंग और उसका, यस दे आर गोइंग थ्रू द लिस्टिंग प्रोसेस राइट नाउ। ठीक है गाइस, तो ये सारी अपडेट्स थी इसको लेके। और प्राइस देख लो, बिटमार्ट पे चल रहा है 54 की रेंज चल रही है। यहाँ पे साला ये इसी में घूमता रहता है, हाईएस्ट 59 गया था, 51 लो था, 54 है। ठीक है गाइस, सो ये सब चल रहा है। आई होप सो शिबनोबी हमें अच्छा प्रॉफिट देख के जाएगा आने वाले टाइम पे। तो ये सारी कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस इज।